घर में रहे, सुरक्षित रहे। ये वायरस जानलेवा है, आपकी जान भी ले सकता है। नमस्कार, मैं हूं गौतम रोडे। स्वागत करता हूं आपका हमारे शो जुर्म और जज्बात में। आज हम बात करने जा रहे हैं चाइना में पनपे कोरोना वायरस के बारे में, जिसने पूरी दुनिया को अंधकार में ढकेल दिया। घर में कैद रहना, एक दूसरे से दूरी रखना, अपनों के दुख का हिस्सा ना बन पाना, सोशल डिस्टेंसिंग, ये इंसानियत की नई डेफिनेशन बन गई थी। हर किसी को लगता था कि उन्हें दूसरों से खतरा है, लेकिन वो खुद भी दूसरों के लिए खतरा है ये नहीं समझ रहे थे। इस वायरस पर रोक लगाने के लिए सरकार ने शुरू में जनता कर्फ्यू की घोषणा की और बाद में पूरे 21 दिन का लॉकडाउन किया। आज की हमारी कहानी इसी लॉकडाउन में हुए एक मर्डर की है। गुजरात के अंकलेश्वर में एक इंसान को जान से मारने के बाद उसकी बॉडी को एक सूटकेस में पैक कर दिया जाता है, कहीं ठिकाने लगा देते हैं। ये कोई लूटपाट का मामला था, पर्सनल या प्रोफेशनल राइवलरी का नतीजा था, ये किसी को नहीं पता था। लॉकडाउन के दौरान काफी क्रिमिनल्स को लगा उनके लिए ये क्राइम करने का परफेक्ट टाइम है। ना कोई देखने वाला, ना कोई किसी के घरों में झांकने वाला, ना कोई किसी की मदद करने वाला। लेकिन वो ये बात भूल गए थे कि क्राइम करने का कोई भी टाइम कभी परफेक्ट नहीं हो सकता। तो आइए देखते हैं इस नई दुनिया का एक दिल दहला देने वाला केस। मौजूदा हालात को देखते हुए सरकार ने 21 दिन के लॉकडाउन की घोषणा की है। लोगों से घर में रहने को कहा गया है और सोशल डिस्टेंसिंग यानी सामाजिक दूरी का पालन करें। लॉकडाउन के दौरान सभी दुकानें, मॉल्स, सिनेमाघर बंद रहेंगे। लॉकडाउन का मतलब कर्फ्यू, 21 दिनों तक कोई बाहर ही नहीं निकलेगा। फंस गए भाई। हाँ सर, आप टेंशन मत लो, मैंने आपको अपनी जबान दे दी है, गारंटी है मेरी, आपके पैसे मैं जल्दी लौटा दूंगा। ओके बाय। यहाँ लोग मरने वाले हैं, इसको पैसे की पड़ी है, क्या करो यार। हेलो, हाँ उमेश भाई, मुंबई में क्या हालचाल है? बस लॉकडाउन लगने वाला है अभी, यहाँ पर बस ट्रेन सब कुछ बंद होने वाला है। अरे यार, ये वायरस नहीं वर्ल्ड वॉर है, अब हथियारों से नहीं कीड़ों मकोड़ों से युद्ध होगा। प्रधानमंत्री से मीटिंग फिक्स करा दूंगी आपकी। खैर ये सब छोड़िए, महीने भर का राशन ले लेना, बाद में नहीं मिलेगा। हाँ वो भी ले लूंगा। मैं सोच रहा था कि मैं लॉकडाउन में अंकलेश्वर आ जाऊं आपके पास, वो क्या है कि मैं बोर हो जाऊंगा ना यहाँ पर अकेले। सही कह रहे हो, वहाँ अकेले में कुछ हो गया तो कौन देखेगा तुम्हें? नहीं नहीं कुछ नहीं होगा, मैं आता हूँ ना, फिर मिलके बात करते हैं। हाँ ठीक है आ जाओ। किसी चीज को छूना मत। ये लो, इससे हाथ धो दो, वरना जिंदगी से हाथ धोना पड़ सकता है। दो बूंद सैनिटाइजर दे दो बस। और हाँ, ये घर में भी ना ये सबको सैनिटाइज करना जरूरी हो गया है। अरे सुनो। हाँ आई। अंजो आई।
देखो पूरे महीने भर का राशन उठा लाया हूँ मैं। अच्छा ठीक है, मैं खाना बना लूँ फिर देखती हूँ। हाँ हाँ, और उसमें ना 2 पैकेट ललित के हैं, उसे अलग से रख देना। अच्छा, ये कोरोना बीमारी कहाँ से आई है? अरे सुना है कि किसी आदमी ने ना चमगादड़ का सूप पी लिया था, उससे उस आदमी में और उस आदमी से पूरी दुनिया में फैल गया है बीमारी। ये पागल लोगों को और कुछ खाने पीने को नहीं मिलता है क्या? अरे उनके खाने पीने का तो तुम पूछो ही मत, हम लोग खाने से ना मक्खी भगाते हैं और वो लोग मक्खी ही खा जाते हैं। एक बात सुनो, पूरे 21 दिन का लॉकडाउन लगा है और हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि जरूरी ना हो तो घर के बाहर ना निकले। अब 21 दिनों के लिए हमारी दुकान भी बंद है। और हाँ, आज ना उमेश मुंबई से आ रहा है। चलो ये अच्छा हुआ, थोड़े दिन हमारे साथ ही रह लेगा। अरे साथ कहाँ रहेगा, घूमने फिरने वाला लड़का है, 21 दिन की कैद मुश्किल है उसके लिए। हाँ वो तो है, इसी बहाने भाभी के हाथ का खाना खाता रहेगा आराम से। हाँ वो भी ठीक है, चलो एक काम करो, हमारे लिए ना एक गर्मा गर्म चाय बना के ले आओ। हाँ ठीक है, आओ भाई बैठो। अरे भाई संभाल के, सोशल डिस्टेंस बना के बैठना। कोरोना में ना बस हमें बैठे रहना है और गर्मा गर्म चाय पीना है। आराम से गर्म गर्म चीजें पियो और बैठे रहो। अरे उमेश। अरे केतन भाई, केम जो केतन भाई। मजा में भाई, और तू इधर कैसे? अभी लॉकडाउन में इधर क्या उधर क्या, सब बराबर है। हाँ यार बोल तो ठीक रहा है, अब वैसे भी मुंबई बहुत रिस्की हो गया है और लोग तो वहाँ पे शांत बैठते ही नहीं, फालतू का उठा पटक को साला जिंदगी एंजॉय करने का नाम दे रखा है। हाँ वो तो है। अभी चल अच्छा किया आ गया, ठीक है मिलते हैं फिर यार, है ना जल्दी। ओके चल केतन भाई, ठीक है बाय बाय। हाँ आ रहा हूँ आ रहा हूँ, बस ठीक है। ललित भैया ये आपके 2 पैकेट। जी जी भाभी। उमेश होगा, मैं देखती हूँ। आओ आओ, तुम्हारा ही इंतजार था। भैया प्रणाम। बस बस जीते रहो। अच्छा आओ तुम आ गए, बहुत दिन हो गए थे तुम्हें देखे हुए। हाँ भाभी इस बार तो पूरे महीने के लिए आया हूँ मैं आपके पास। अरे रुको भाई, पहले नहा के तो आओ। अब पहुंचने में क्या दिक्कत है? अरे भाई दिक्कत कुछ नहीं है, तुम बाहर से आयो ना सिर्फ इसलिए। तुम कुछ ज्यादा ही डरते हो। अरे भाई कभी कभी डरना जरूरी होता है, समझे? अच्छा नहा लो ना। चलिए भाभी नहा लेता हूँ। प्रणाम भाभी। जीते रहो। अब तो पवित्र हो गया ना मैं। अरे तुम यहां बैठो, तू अपवित्र कब था? हाँ ये तो हम सबकी सेफ्टी के लिए करना जरूरी है, समझे? अच्छा वो अपना केतन मिला था मुझे अभी। अरे भाई उससे दूर ही रहना। क्यों लगे? हाँ ललित बिल्कुल सही कह रहा है, जेल में था वो, सोशल डिस्टेंसिंग के चक्कर में क्रिमिनल को जेल से बाहर निकाल रहे हैं, इसलिए वो भी बाहर आया। पता नहीं ये लोग जेल के बाहर आकर क्या क्या करेंगे। शांत से मार दूंगा। ये किसकी आवाज है? केतन की पत्नी पर बड़ा तरस आता है मुझे। बोल, करेगी ऐसा? बोलेगी है? मैं किस जेल में था, कितनी दारू पीता हूं, कितने पैसे की पीता हूं, ये सारी बातें उन लोगों को कैसे पता लगती है? वो तुझसे पूछेंगे। नहीं, नहीं,
और तू सारी की सारी घर की बात उन लोगों को बताएगी? मत मारू, सुन ले, आज के बाद अगर तूने मेरे बारे में किसी को बताया ना तो मैं तुझे जान से मार दूंगा, समझे? जान से मार दूंगा। ગુજરાતમાં સોશિયલ ડિસ્ટન્સિંગ રાખવું ફરજિયાત રહેશે. ભૈયો, મેં તો બોલતા હું કે હમે સોશિયલ ડિસ્ટન્સિંગ હે ના લલિત સે રખની ચાહીએ. મુજે પતા હે કે તુમે લલિત સે પ્રોબ્લેમ હે, લેકિન ઇસ પરાયે શહેર મે વહી અપના હે, બહોત મદદ કરતા હે વો હમારી. ઉસકી મદદ કે પીછે ભી ઉસકા કોઈ સ્વાર્થ હોગા ભૈયા, મુજે તો વો આદમી સહી નહીં લગતા હે. ઉમેશ, એસે ક્યું બોલ રહે હો? अभी मैं तो आपको भी यही बोलूंगा कि उसको चाय पिलाना बिल्कुल बंद कर दीजिए, वो आदमी बिल्कुल ठीक नहीं है. देखो उमेश, तुम्हें सही क्या गलत क्या उसका कोई फर्क समझ में नहीं आता, हम ललित को अच्छे से जानते हैं. तुम बेकार में ज्यादा मत सोचो. मैं ज्यादा नहीं. उमेश, तुम्हारे भैया सही बोल रहे हैं, ललित अच्छा इंसान है. अरे आज भी उसके अंदर गांव की सादगी बरकरार है. हेलो हेलो, आवाज आ रही है? अच्छा, मैं बाद में फोन करता हूँ. ओके बाय. अब हमारे सामने क्यों बात करोगे? नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है. मैं आता हूँ. हाँ हेलो. मैं कहीं नहीं भाग रहा हूं, मैंने जुबान दी आपको अपनी, कुछ भी करके आपके पैसे लौटा दूंगा. जी समझा. जासूस जी का इतना शौक है तो धंधा क्यों नहीं खोल लेते, बहुत कमाई होगी. रमेश भाई, मैं भी तुम्हारा भाई जैसा है, कोई दिक्कत है तो बताओ ना. अबे नौटंकी बंद कर अपनी, समझा क्या? तुम जैसों की मदद नहीं चाहिए मुझे, चल अपना काम कर, समझा? मत पूछ यार, एक से एक बढ़कर पहुंचे हुए क्रिमिनल्स थे वहां पर, और उनमें से एक तो 26-26 मर्डर करके बैठा था. सबकी फाड़ रखी थी उसने भाई, लेकिन हाँ वो सिर्फ एक ही आदमी को भाव देता था बस. किसको? अरे अपुन को यार, मुझको, तेरे भाई को, और किसको? हाँ बात है, केतन भाई मतलब उधर भी छा गए थे. हाँ भाई, लेकिन सुन, मेरा तो बचपन से ही एक उसूल है कि डरने का नहीं, और मैंने लाइफ से सीखा है कि किसी से नहीं डरना, जो डर गया समझो मर गया, है ना, और इज्जत भी खत्म. और मैंने तो फर्स्ट टाइम ही जब उससे बात किया ना तो उसकी आंखों में आंखें डालकर बात की. उसकी तो फट गई होगी उधर ही. ऐसा नहीं, लेकिन हाँ उसने मुझे बहुत दबाने की कोशिश करी, बहुत धमकाया डराया. मैं भी मैं हूँ, मैं दबाई नहीं उससे, डराई नहीं बिल्कुल भी, और उससे बात किया, वो उसी समय समझ गया कि भाई दम है इसके अंदर, तेरे भाई में दम है भाई, दम. वो तो तो सुन, आना फिर उधर यार कभी. पक्का भाई, चलेंगे ना, फिर देखेगा अपने भाई का जलवा, है ना. चल बना यार. घर से बाहर नहीं निकलना है, अगर कोई भी बिना मतलब बाहर दिखा तो उस पर कानूनी कार्रवाई होगी. खुद की सुरक्षा में ही दूसरों की सुरक्षा है. कोरोना से बचना है, हाथ हमेशा सैनिटाइज करें और दूसरे इंसान से 6 फीट की दूरी बनाए रखें. वॉचमैन, वॉचमैन, क्या हुआ? मेरा भाई उमेश यहाँ से कहीं बाहर गया था क्या? हाँ, वो केतन के साथ गया था. रुको रुको रुको,
लॉकडाउन में बाहर जवानी मनाई छे। अरे लॉकडाउन है तो क्या घर पे पड़े पड़े मर जाऊं? चल ए, तू लेक्चर ना दे ज्यादा, तू गेट खोल। चल नहीं खोल सकता, सब चिल्लाएंगे मुझ पर। अरे पागल, मेरी बीवी बीमार है घर पे, उसे मारना चाहता है क्या? नहीं, मैंने ऐसा तो नहीं कहा। अरे खोल ना गेट, मुझे दवाई लेने जाना है उसके लिए। लेकिन जल्दी आ जाना। हाँ जल्दी आ जाएंगे, खोल तू। फिर वो दोनों वापस नहीं लौटे क्या? केतन तो आ गया, लेकिन वो अकेला ही था, उसकी हालत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। ए, खोल गेट। अरे खोल ना। उसको देखकर लगा कहीं मारपीट करके आया है, उसी से पूछ लो, लेकिन थोड़ी देर में, अभी भड़क जाएगा पागल। सुनिए ना, एक बार देखिए ना जाके, देखिए सुबह हो गई है, जाइए ना। आप पढ़ोगे? जय श्री कृष्ण दीप्ति बहन। हाँ जय श्री कृष्ण। केतन भाई है घर में? हाँ वो सो रहे हैं। क्यों, क्या हुआ? वो क्या है ना, मेरा भाई उमेश रात भर से घर नहीं लौटा, और वॉचमैन बोल रहा था कि वो केतन भाई के साथ कहीं बाहर गया था। हाँ वो उनके साथ ही थे। ए, केतन भाई क्या हुआ, चढ़ गई क्या? और नहीं भी नहीं है। क्या देख रहे हो, अभी वो खाली हो गई है। खाली थे क्या? हाँ। अरे यार गवर्नमेंट को भी ना कुछ करना चाहिए, है ना। अब देखना, सैनिटाइजर में भी तो दारू होती है, और फिर अगर दारू की दुकान खुली रहेगी तो सारे के सारे लोग अपनी फुल बॉडी को सैनिटाइज कर लेंगे, क्यों, है ना। पॉइंट तो है। तो चल फिर और लाते हैं दारू। ये भी जुगाड़ है? अरे जलवे हैं तेरे भाई के जलवे, अब दिखाता तुझे अपना जलवा। चल चल चल। सुनिए सुनिए। क्या है? बाहर पुलिस वाले होंगे, नाकाबंदी लगाई है। चल तू सिखाएगी मुझे? अरे हा? अरे केतन भाई क्या कर रहे हो? केतन भाई चल अंदर। अरे चलो ना केतन भाई, चलो ना यार। बकवास करती है साली। सॉरी हाँ भाभी, आप चिंता मत करना, मैं हूँ साथ में। हाँ उसके बाद ही अकेले ही घर पे आए थे, और हाथ में काफी चोट लगी हुई थी उनको। क्या कर रही है? केतन भाई, मेरा भाई उमेश रात भर से घर नहीं लौटा है। तो मैं क्या करूं? आपके साथ था ना, तो सोचा आपको एक बार पूछ लूं। हाँ था मेरे साथ, लेकिन अब नहीं है। अरे वो क्या करता है, कहाँ जाता है, क्या नहीं करता है, इससे मुझे क्या मतलब यार, हैं? ए,
चल तो अंदर जा, चल। उस रात क्या हुआ ये सिर्फ उमेश और केतन ही जानते थे। उमेश के बारे में किसी को पता नहीं और केतन की बातों पर किसी को भरोसा नहीं। लॉकडाउन में जहां लोग अपनों से दूरी बना रहे थे, वहां किसी खोए हुए अपने को ढूंढना इतना आसान नहीं था। इस नई दुनिया में अपनों के दर्द और तकलीफ को सिर्फ सुन सकते थे, लेकिन ना उसका हिस्सा बन सकते थे और ना ही उसे बांट सकते थे। मजबूरी और इलाज दोनों एक ही था, और वो थी दूरी यानी सोशल डिस्टेंसिंग। ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि रमेश अपने भाई को ढूंढता है या कोरोना के डर से हार मान लेता है। माँ को क्या जवाब दूंगा मैं? उस दिन जो भी हुआ डिटेल्स में बताओ। और रोज की तरह उस दिन भी लॉकडाउन में भी मेरा भाई उमेश घर से बाहर जा रहा था। कहाँ जा रहे हो? आ जा रहा था केतन से। लॉकडाउन का क्या मतलब? अगर तुम दिन में 10 लोगों से मिलोगे तो? 10 लोगों से कहाँ मिलने जा रहा हूँ भैया, सिर्फ केतन के पास ही तो जा रहा हूँ। लेकिन उस केतन का क्या भरोसा, वो कहाँ कहाँ जाता है, पूरे दिन में किन किन लोगों से मिलता है? और ये कोरोना ना पूरी दुनिया में एक आदमी से फैला है, अगर तुझे हुआ तो तेरी भाभी को, मुझे, हम सबको हो जाएगा। भैया चिंता करने वाली कोई बात नहीं है, ये बीमारी सिर्फ बच्चों और बूढ़ों को होती है, हम जैसे लोगों को नहीं होने वाली। लेकिन बाहर नाकाबंदी है, पुलिस तुम्हें अंदर कर देगी। कमाल करते हो भैया, नेता मंत्री अपने फैमिली वालों के साथ घूमने जा सकते हैं, हीरो हीरोइन छूट कर सकते हैं, उन लोगों को तो कोई नहीं रोकता। अगर उन्हें कुछ हुआ ना तो डॉक्टरों की पूरी फौज लग जाएगी उनके पीछे, लेकिन हमें कोई पूछने तक नहीं आएगा। कोरोना क्या चुन-चुन के होता है क्या लोगों को? किसी गरीब को देखा है आप लोगों ने कोरोना होते हुए? उमेश क्यों जिद कर रहे हो? भैया कह रहे हैं ना, हमारी भलाई के लिए कह रहे हैं ना। भाभी प्लीज अब आप मत शुरू हो जाइए, आता हूं मैं थोड़ी देर। रुको, अगर घर वालों की फिक्र नहीं है तो घर आने की भी जरूरत नहीं है। बहुत हुई तुम्हारी नौटंकी, अब सोच लो तुम्हें क्या करना है। मैं बेइज्जती कराने नहीं आया था यहां पर मुंबई से, और नहीं आऊंगा आगे से तुम्हारे घर पर। आप लोगों के लिए है ना ललित ही सही है, उससे तो नहीं फैलने वाला करो ना आप लोगों को, है ना? जा रहा हूं यहां से। उमेश रुको, जाने दो उसे। ये ललित कौन है, दोनों में क्या दुश्मनी थी? ललित मेरा दोस्त है साहब, और उमेश उसे पसंद नहीं करता था। अरे रुको भाई, पहले नहा के तो आओ। अब पहुंचने में क्या दिक्कत है? अरे भाई दिक्कत कुछ नहीं है। लेकिन सब उन दोनों में कोई दुश्मनी नहीं थी, लेकिन हाँ मेरा भाई उमेश हमारा पड़ोसी केतन है, उसके साथ समय बिताता था, और ये केतन अंडर ट्रायल क्रिमिनल है, लॉकडाउन के कारण जेल से बाहर आया था। जब से बाहर आया है अपनी पत्नी को रोज जानवरों जैसा।
अरे रमेश, मैं बोल रहा हूँ केतन। अरे तेरा भाई कोई बच्चा थोड़ी है। अभी आ जाएगा। हाँ मेरे साथ है मेरे। चल फोन रख। अब तू सो जा। चल। क्या हुआ? उसकी पत्नी और वॉचमैन ने ये बात मुझे खुद बताई है। मेरा भाई उमेश यहाँ से कहीं बाहर गया था क्या? हाँ वो केतन के साथ गया था। वो क्या है ना, मेरा भाई उमेश रात भर से घर नहीं लौटा। वॉचमैन बोल रहा था कि वो केतन भाई के साथ कहीं बाहर गया था। हाँ वो उनके साथ ही थे। काश काश मैंने उस दिन उमेश को गुस्से में घर से बाहर जाने के लिए नहीं कहा होता। उस दिन केतन उसे अपने साथ ले गया और फिर मेरा भाई कभी वापस नहीं आया। सब मैंने केतन को पूछा लेकिन वो जवाब देने को तैयार ही नहीं है साहब। ठीक है तुम जा सकते हो। जी साहब। अरे ए, चल। अरे मुझे कहाँ ले जा रहे हैं साहब? अरे अरे चल। अरे मैंने कुछ नहीं किया साहब। मैंने कुछ नहीं किया साहब। मुझे कहाँ ले जा रहे हैं साहब? मुझे चल। क्या साहब, जब अंदर ही रखना था तो काय को छोड़ा मुझे आपने? देख अभी ज्यादा नाटक नहीं करता, सीधो सीधो जवाब आप। मर्डर से पहले उमेश को कहां लेके गया था उस रात को? कैसा मर्डर साहब? हम दोनों तो वो थोड़ा दारू लेने गए थे सर। दारू लेने गए थे? तुझे पता नहीं यहां पर दारू इलीगल है? पता है साहब, पर हमें दारू नहीं मिली। मैं सच कहता हूं साहब, झूठ नहीं बोलता आपसे। हाँ हाँ लेकिन ये सच है कि हम दोनों साथ में ही गए थे। साला ये जेल से भी रिटर्न आने का बहुत फायदा है, सब डरते हैं। हाँ भाई बिल्कुल। अच्छा ये दारू कैसे मिलेगी हम लोगों को? दारू तो इलीगल है। अरे यार, अरे लोकल लोगों के लिए इलीगल है ना, टूरिस्ट के लिए थोड़ी ना। तेरे भाई की बहुत सेटिंग है। चल वे ध्यान से चलाना। क्या कर रहा है, क्या कर रहा है वे? ध्यान से चला। ये देखो साहब, मेरे हाथ का क्या हाल कर दिया। ए, ज्यादा नाटक बंद कर। हाँ फिर क्या किया तूने? सच सच बता, वरना तेरे शरीर पर इतनी चोटें आएंगी तू ढूंढ कर रह जाएगा। बताता हूँ साहब, सच बताता हूँ। अबे पागल, अबे पीता क्यों? अबे इतनी जब संभाली नहीं जाती, गाड़ी चलानी आती नहीं है, गिरा दिया बेवकूफ ने। अबे क्या बात कर रहा है अबे? मैं तेरा भाई थोड़ी ना हूं जो मुझसे ऐसे बात कर रहा है। अबे पागल, मैं भी तेरी औरत नहीं है जो तू मुझसे ऐसे बात कर रहा है। अबे बकवास मत कर, मुझे क्या बोल रहा है? अबे चल अपना ये पिछवाड़ा और अपनी ये खटारा को लेकर निकल जा यहाँ से। अबे ओ बहुत देखे मैंने तेरे जैसे, अबे तू जानता नहीं है मुझे, चल निकल यहाँ से। अबे तेरे जैसे मैं रोज देखता हूँ, चल तू निकल। चल निकल तू। चल चल देख लूंगा तुझे भी मैं। चल जा रहा हूँ मैं। साला बकवास करता है। इससे तूने अपना बदला उससे ले लिया? नहीं साहब, मुझसे पहले तो वो ललित उससे बदला लेना चाहता था। इसका भाई रमेश का दोस्त? हाँ साहब वही। उन दोनों के बीच में आपस में बहुत खुन्नस था साहब, और ललित और उसकी भाभी को लेकर को तो दोनों के बीच में हाथापाई भी हुआ था। ए उमेश भाई, बाहर किधर जा रहे हो? थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखो। ये सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने की जरूरत तुझको है, मुझे नहीं। कहना क्या चाहते हो, साफ साफ बोलो। मतलब साफ है, ये अच्छा और सभ्य बनने की नौटंकी बंद कर। मेरे भैया भाभी सीधे हैं इसलिए समझ नहीं रहे हैं, लेकिन तुझ जैसे चेप लोगों को है ना बहुत अच्छे से जानता हूं मैं। मेरी भाभी से ना दूर रही हो। ऐसी घटिया बात करी ना बहुत मारूंगा। सेठ ये लो दुकान की चाबी, धंधा तो हो नहीं रहा, आपका भाड़ा कैसे दूंगा? ठीक है इसमें डाल दो।
आज दुकान का चाबी भी मालिक को दिया है। सोच रहा हूं कि गांव चला जाऊं, यहां रहेंगे तो भूखे मर जाएंगे। इस कोरोना ने इंसानियत खत्म कर दी है, कमाई हो नहीं रही और मकान मालिक को भाड़ा चाहिए। ये सरकार ने 3 महीने का रेंट माफ करने के नाम पर 3 महीने का कर्ज चढ़ा दिया है। आप सही कह रहे हो, इंसान या तो भूख से मर जाएगा या इस कोरोना से। पर सुना है कि डॉक्टर लोग भी इलाज के नाम पर लोगों से लाखों रुपए लूट रहे हैं। गांव चलते हैं, आप बोल दीजिए मकान मालिक से। वैसे भी अगर मैं यहां रहूंगा ना तो मुझे यहाँ पे उमेश की याद आएगी, उस बहाने मकान मालिक की दुकान बंद हो जाएगी, तब जाके उसे एहसास होगा लॉकडाउन का। सर एक बुरी खबर है। सर क्या हुआ, ललित भाग गया? सर उसका भी मर्डर हो गया। कैसे? सर जब हम वहां पहुंचे दरवाजा खटखटाया, लेकिन किसी ने नहीं खोला इसलिए हमने दरवाजा तोड़ दिया, और जैसे ही अंदर गए उसकी लाश पड़ी हुई थी। अब इस केस में एक ही शख्स बता सकता है, ललित की दुश्मनी उमेश के साथ थी और उसका भी मर्डर हो गया। अगर केतन ने उमेश को नहीं मारा है, हो सकता है ललित के हाथों उमेश का खून करवाया हो और उसके बदला लेने के मकसद से रमेश ने ललित को मार डाला। अच्छा हो तुम आ गए, बहुत दिन हो गए थे तुम्हें देखे हुए। हाँ। भाभी इस बार तो पूरे महीने के लिए आया हूँ मैं आपके पास। प्रणाम भाभी। जीते रहो। चलते चलते कब तक पहुंचेंगे? देखो दूसरा कोई उपाय नहीं, एक हफ्ता दो हफ्ता जितना भी लगे चलना तो पड़ेगा ही। नहीं अब मुझसे और नहीं चला जा रहा, मैं बहुत थक गई हूं। देखो कई परिवार चलते चलते घर पहुंच चुके हैं, ये छोटा ब्रिज खत्म हो जाए ना उसके बाद कोई छाव आएगा तो वहां बैठ जाएंगे। चलो लाओ ये बैग, मैं ही पकड़ लेता हूं। तुम चलो। चलो जाने की तैयारी हो रही। चलो गाड़ी में बैठो। चलो इतनी जल्दी भी क्या थी पैदल निकलने की? हाँ किसी का बाल काटने नहीं मिला तो गर्दन काटना शुरू कर दिया। ये क्या बोल रहे हो साहब, मैं भला किसी की गर्दन क्यों काटूंगा? अब नाटक मत कर, तेरी पत्नी ने सब कुछ बता दिया है, अब सारी कहानी विस्तार पूर्वक बताएगा तू, और नहीं बताएगा और भी कई तरीके आते हैं हमें अपनाने। हजार अरे मत मारो, मत 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 सब मैं सब बता दूं। बस हाँ साहब ये सच है, मेरे भाई उमेश को मैंने ही मारा है।
ये क्या हालत बना रखी है तुमने अपनी? तुम्हारी वजह से हम सब मरेंगे। क्या जब देखो मरने की रट लगा के रखते हो। मेरी वजह से कोई नहीं मरने वाला है, लेकिन आपकी इस बकबक से है ना किसी ना किसी की सांसें अटक जाएंगी। तो फिर तुम वापस क्यों आए? मैंने तुम्हें वापस आने से मना किया था ना। ना तो आपका ये मुंह देखने के लिए आया हूँ और ना ये बकबक सुनने के लिए। आपने कोई होटल या लॉज नहीं खुलवा रखा था स्पेशली लॉकडाउन में मेरे लिए। चलो तुम निकलो बाहर घर से। मैंने कहा निकलो यहां से। ज्यादा गार्डियन बनने की कोशिश मत करो, मैं यहीं रहूंगा। निकलना है तो तुम निकलो, ये मेरा भी घर है। और सुनो, जब दाढ़ी बनवानी होगी ना तो बुला लूंगा, अभी तुम जाओ। तुम मुझे मारोगे? उमेश, ये मैंने क्या कर दिया? मुझे लगता है ये मर गया। तुम कितना ये सब सबूत साफ करो, मैं लाश को ठिकाने लगाने का कुछ इंतजाम करता हूं। उसके बाद मैंने उसकी लाश को ठिकाने लगाने के लिए उसे मैंने एक सूटकेस में डाला। सारा खून साफ कर दिया। वॉचमैन सो रहा था, इसलिए मैं आसानी से बाहर निकल गया और बाकी माइग्रेंट्स की तरह सूटकेस को लेकर रोड पर चलने लगा। के बदले अगर दिमाग को सैनिटाइज कर लिया होता ना तो अच्छा होता। अपने जिगरी दोस्त ललित को क्यों मारा? ये क्या बोल रहे हैं साहब? मैं उसे क्यों मारूंगा? झूठ बोलता है, बताओ सच क्या है? बता दो। दरअसल मेरे भाई उमेश को उसकी नियत पर शक था, हालांकि मैं ऐसा नहीं मानता था, पर पता नहीं क्यों मैं धीरे धीरे उसकी बातों को गौर करने लगा, पर यह बात मेरे दिमाग से जा ही नहीं रही थी। मैं ना चाहते हुए भी ललित और अंजू की बातों को सुनने की कोशिश करने लगा। मुझे लगा मेरा भाई सच कह रहा था। मेरे भाई की मौत के बाद मेरा हर रिश्ते से भरोसा उठ गया था। फिर मैंने सोचा खून 10 करूं या 1, सजा सिर्फ 1 ही तो हो सकती है, वो भी अगर पकड़ा गया तो। और इसीलिए मैंने ललित को भी मार डाला। मैंने ऐसा कुछ नहीं कह रहा मेरे भाई, कदम पकड़ के तो मैंने कुछ नहीं किया। मेरा भाभी का कोई चक्कर नहीं भाभी की।
तेरे जैसा पागल मैंने आज तक नहीं देखा। अपने ही परिवार के लोगों को मारकर खुद को परिवार वाला कहता है। ले जाओ इसे। चल, उठ। जुर्म का अंत हमेशा बुरा ही होता है। रमेश के दिल में सबके लिए चिंता थी और उसी चिंता ने उसे अंदर ही अंदर खाना शुरू कर दिया। उमेश को लगा वो सबसे बड़ा है और सबकी सेफ्टी के लिए जिम्मेदार है। वो सबका ख्याल रखना चाहता था लेकिन सिचुएशन कॉम्प्लेक्स होती जा रही थी और उसे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था और इसकी वजह थी ओवरथिंकिंग। वो जरूरत से ज्यादा डर गया था और इसी डर और फ्रस्ट्रेशन में वो अपने भाई से नाराज हो गया और बात इतनी बिगड़ गई जिसका किसी को कोई अंदाजा भी नहीं था। रमेश के हाथों दो कत्ल हुए थे, एक अपने भाई का और दूसरा अपने दोस्त का। रमेश आज डबल मर्डर के लिए जेल में है और अपने किए की सजा भुगत रहा है। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हमने देखा कि चिंता किस तरह इंसान के विवेक को खा जाती है और खाली दिमाग किस तरह शैतान का घर बन जाता है और अच्छे खासे इंसान को हैवान बना देता है। इसलिए याद रखें, जज्बात कभी जुर्म का जरिया नहीं हो सकता। तो चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और नई कहानी के साथ। देखते रहिए जुर्म और जज्बात।